हस्तमैथुन को ना बोलो, नो फैप मूवमेंट, ये काफी जोरों से कई लोग चलाते हैं, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। मास्टरबेशन मतलब हैंड प्रैक्टिस, हस्तमैथुन, मुट्ठी मारना, ये सब नॉर्मल प्रक्रिया है, मगर कुछ लोग इसके अगेंस्ट में मूवमेंट चलाते हैं और यह मूवमेंट है कि हस्तमैथुन मत करो। ये लोग बोलते हैं कि हस्तमैथुन करने से बहुत नुकसान होता है, रिलीजियसली मतलब धर्म के नाम पे भी वो लोगों को बहकाते हैं, धर्म में अच्छा लिखा नहीं है, आयुर्वेदा में भी ऐसा लिखा है कि हस्तमैथुन नहीं करना, ऐसा बोलते हैं। अपना वीर यदि गमाया नहीं तो बहुत ताकत रहती है, मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बनते हैं, बहुत अच्छे धट्टे कट्टे हो जाते हैं, इसलिए आपने वीर को नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा प्रचार वो करते रहते हैं। वो लोग ये भी बोलते हैं कि ब्रह्मचारी जो है, मतलब जो वीर्य का नाश नहीं करता है, वीर्य गमाता नहीं है, ब्रह्मचर्य यही जीवन है, वीर्य नाश यही मृत्यु है, ब्रह्मचारी जो है वो ज़्यादा साल जीवन जीता है, ऐसा भी ये लोग बोलते रहते हैं, मगर ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हैंड प्रैक्टिस से, हस्तमैथुन से बहुत फ़ायदे हैं। एक तो बहुत रिलैक्स फील करता है, सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, अच्छी नींद आती है, प्रोस्टेट कैंसर जो है, पौरुष ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट कैंसर, वो होने के चांसेस बहुत कम है, और जितना आप हस्तमैथुन करेंगे उतना ही आप एक्टिव रहेंगे, आप सेक्सुअली एक्टिव रहते जाएंगे, इसलिए हस्तमैथुन करना कोई गलत नहीं है। ये लोग ये भी बोलते हैं कि वीर्य का एक बूंद जो है वो खून के 80 बूंद के बराबरी का होता है, ये भी गलत है, वीर्य का और खून का वैसा डायरेक्ट कुछ भी संबंध है नहीं। हाँ, आप ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो वो गलत है, अति सर्वत्र वर्जते ऐसा बोला हुआ है, इसका मतलब ऐसा है कि आप कभी भी ज़्यादा कुछ करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। अब ज़्यादा मतलब क्या है, आप रोज़ एक बार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है, मैं बोलता हूँ एक दो बार भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपको मज़ा आता है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको एक्साइटमेंट अच्छी आ रही है और आप करें तो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर यदि आप ज़्यादा करते हो, 4 बार 5 बार, कुछ कुछ लोग मेरे पास में आते हैं 8-10 बार, मतलब उनको वह लत लग गई है, उनको वह इसका ऑब्सेशन लगा हुआ है, और ऑब्सेशन में उनको करना ही पड़ता है, मज़ा नहीं आती, इच्छा नहीं है, तभी भी वो बार बार थॉट आते हैं, वो करना ही पड़ता है, और फिर वो गलत हो सकता है, वो एडिक्शन है एक्चुअली, और वो गलत है, क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो वहाँ लुब्रिकेशन नहीं आता, पानी नहीं छूटता, प्रीकम नहीं आता, और फिर इरेक्शन के भी प्रॉब्लम होते हैं, फिर आप ज़बरदस्ती घिसेंगे, ज़बरदस्ती फ्रिक्शन करेंगे, कहीं हार्ड चीज़ के ऊपर कोई फ्रिक्शन कर लेंगे तो जख्म हो सकती है, और यदि आप 8-10 बार करते हैं आपको प्राइवेसी नहीं है, तो फिर क्या होता है, कहीं भी जाओ फटाफट हस्तमैथुन कर लो, तो उसमें क्या होता है कि जल्दी जल्दी गिराने की भी आदत लग जाती है, तो जल्दी गिराने की आदत मतलब प्री मैरिज इजैकुलेशन, जो शादी के बाद में प्रॉब्लम कर सकता है, और दूसरा उसका इतना एडिक्शन कि आपको बाकी कोई सूझ नहीं रहा है, तो ये दोनों भी काम आप नहीं करना चाहिए। अदरवाइज मास्टरबेशन जो है, हस्तमैथुन, हैंड प्रैक्टिस, मुट्ठी मारना, ये सब नॉर्मल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नो फैप मूवमेंट ये बकवास है, आयुर्वेदा में या और कोई भी शास्त्र में लिखा है कि भाई मास्टरबेशन मत करो, वो बकवास है। मैं साइंटिफिकली आपको बोलता हूँ, साइंस जो मानता वो बोलता हूँ कि हस्तमैथुन करना कोई गलत नहीं है। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि मास्टरबेशन करना क्यों है, करना है तो क्यों करना है, कब करना है, छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों करना है, मैंने बताया कि वो सेक्सुअल एनर्जी जो है वो चैनलाइज कर देता है, रिलैक्स लगता है, प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस कम है, अच्छा महसूस होता है, व्यक्ति बाहर वेश्या के पास में नहीं जाएगा अपना सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन करने के लिए, क्योंकि वो शादी होने की रहती है। आजकल बच्चे जो है वो 30-32 साल तक शादी करते नहीं है, उम्र में तो आते हैं 12-13 साल में, तब तक इतने साल करना क्या, इतने साल अपना हाथ जगन्नाथ ऐसा हम बोलते रहते हैं, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये किया तो भी नुकसान इसमें कुछ भी होता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये
ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।